गेमर्स तो कैसे आप सब लोग, तो वेलकम बैक टू द अनदर गेमप्ले एपिसोड ऑफ कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो गाइस इस गेम का एक और नया अपडेट आ चुका है, बट यार ये वाला जो अपडेट है ना वो जंकयार्ड वाला अपडेट तो नहीं है। जंकयार्ड वाला अपडेट ना बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। बाकी इस अपडेट में हमारे कुछ बग्स वगैरह फिक्स हो चुके हैं, जैसे कि हमारा जो ऑटो सेविंग वाला बग था एक तो वो फिक्स हो गया जिसमें बहुत ज्यादा गेम लैग करता था। बाकी इन्होंने AI वगैरह के बग्स फिक्स किए हैं, काफी कुछ इन्होंने वैसे फिक्स कर दिया है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटेनर में इन्होंने यहाँ पर एक फिलहाल के लिए भाई लैंप दे दिया है, तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। ठीक है चलो अभी जल्दी से बाहर चलते हैं। आज हमारा यहाँ पर जो है ना ऑक्शन है, तो पहले चलते हैं ऑक्शन में, फिर जाएंगे ड्रैग रेस में। वैसे मैंने आज ना अपने शोरूम को बिल्कुल खाली रखा हुआ भाई, ठीक है मेरे शोरूम में कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज जाते हैं ऑक्शन में, कुछ कार्स वगैरह देखते हैं फिर उनको परचेज करते हैं। काफी टाइम से हम ना कार मार्केट वगैरह या नेबरहुड से कार्स वगैरह ले रहे थे, तो इसलिए मैंने ना सोचा आज हम ऑक्शन से कार्स लेते हैं। फटाफट से चलते हैं, पहले देख लेते हैं आज कौन कौन सी कार्स आ रखी है यहाँ पर। भाई प्लीज यार इन्होंने ना बस ऑक्शन वाला जो बग है वो ना फिक्स कर दिया हो, क्योंकि फिर हमारे को पता नहीं चलेगा यार कौन सी कार आ रखी है। ठीक है तो जल्दी से यहाँ पे कार लगाता हूँ, एक सेकंड लेट्स सी। अभी मेरे को यहाँ पर कार्स वगैरह दिख रही है या नहीं दिख, दिख जाएगी यार दिख जाएगी क्योंकि कैमरा पूरा मूव हो रहा है। यस अभी लेट्स सी, देखते हैं कौन सी कार आ रखी है यहाँ पर। नहीं मेरे मतलब की नहीं है, चल 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 चल। भाई सारी घटिया कार आ रखी है यार, बस एक फरारी आ रखी है, मेरे को एक फरारी दिखी यहाँ पर। तो यार फरारी तो ना मेरे पे ऑलरेडी मेरे शोरूम में खड़ी हुई है, एक तो मैं फरारी वगैरह लेने के लिए तो यहाँ पर नहीं आ रहा हूँ। बाकी हम नेबरहुड का चक्कर काट सकते हैं, एक बार वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्या पता हमारे को वहाँ पे कोई कार वगैरह मिल जाए। तो नेबरहुड भी देख कर आते हैं, हमारे को क्या पता वहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं अभी तक नेबरहुड गया नहीं हूँ और ना मैंने देखा है। बाकी हमारा जो गैस स्टेशन है वो भी ऐसा ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं मेरे को देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ ड्रैग रेस में कोई कार आ रखी है क्या, लेट्स सी कौन सी कार है। भाई मेरे मतलब की कोई कार नहीं है यार, छोड़ो कोई और कार आएगी ना तब आएंगे यहाँ पे। और रेड बार वगैरह कुछ चेंज हुआ है क्या यहाँ पर, रेड बार वगैरह भी ऐसे ही है सेम, कुछ चेंजेस वगैरह इसमें देखने को नहीं मिल रहे अभी फिलहाल के लिए। भाई ये कट कुछ ज़्यादा गंदा मारा है मैंने, चलो फिलहाल के लिए इधर की साइड देखते हैं कुछ नया देखने को मिल जाए यार। प्लीज़ यार कुछ तो नया दिखा दो यार, कुछ नया आया है क्या। नहीं यार मेरे को अभी यहाँ पर कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, कार्स वगैरह तक नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पर कुछ। मैं भी कुछ तो अपडेट करा हुआ यार, इन्होंने बोल तो रखा था कि इन्होंने कुछ टाउन में चेंजेस वगैरह करे हैं या कोई नया घर वगैरह आया होगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई घर वगैरह मेरे को दिख रहा है, नहीं है यार कोई घर नहीं है यहाँ पर। ठीक है तो आई थिंक इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करे हैं, ऑलरेडी खड़ी है एक, फिलहाल के लिए अपना घर में भी चल के एक बार देख लेते हैं। यार ऑफिस में यहाँ पे डेस्क वगैरह तो पहले से ही थी आई थिंक, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। और मेरे को लगता है इन फ्यूचर ना यहाँ पर भी हम अपना PC वगैरह सेटअप कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ना टेबल वगैरह दे रखी है। ठीक है अभी जल्दी से चलते हैं और पहले ना मेन एंट्रेंस से अंदर जाते हैं। ठीक है एक बार मेन एंट्रेंस से अंदर जाके देखते हैं, शायद मेन एंट्रेंस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा मुझे लग रहा है। हाँ मेन एंट्रेंस पे बोल रहे थे कि ये बोर्ड वगैरह लगाएंगे, तो आई होप सो कि इन्होंने मेन एंट्रेंस पे तो बोर्ड लगाया ही होगा कुछ, पहले यहाँ पे बोर्ड वगैरह नहीं हुआ करता था। ओ बच गई भाई बच गई अभी ठुक जाती। लेट्स गो गाइस एक बार देखते हैं, रुको कुछ है यहाँ पे। यहाँ पर यार ये बोर्ड्स वगैरह नहीं थे ना आई थिंक पहले, यहाँ पे कोई बोर्ड्स वगैरह नहीं थे मुझे जहाँ तक लग रहा है। वेलकम टू लोनवुड करके ये पहले नहीं था, तो अभी आई थिंक मुझे देखने को मिल रहा है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पहले यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जितनी बार भी मैं एंटर करता था ना यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ नज़र आता नहीं था। चलो अभी फटाफट से ना एक काम करते हैं, पहले वापस से अपने ऑफिस चलते हैं। अभी हमने पूरा का पूरा मैप एक्सप्लोर कर लिया है और हमारे को ऐसा कुछ खास यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। ठीक है ना, और मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया यार गाड़ी का, पहले पेट्रोल भरवाता हूँ, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अभी रुकने वाली है गाड़ी। ओए भाई प्लीज़ ठुकना नहीं रुक जाओ एक सेकेंड। भाई कार वॉश वगैरह भी यूज़ नहीं करता यार अब तो मैं, जब से हमारे पे वो वॉशिंग मशीन दी है ना उन्होंने, कार वॉश के लिए तो मैं आता ही नहीं हूँ। लेट्स सी पूरा फुल करा लेते हैं इसको ना अभी के लिए, मैं सोच रहा हूँ ये वाली कार चलाएंगे अभी कुछ टाइम के लिए, एंड देन बाद में देखेंगे कुछ चेंजेस वगैरह हमारे को करने होंगे मतलब। ठीक है फटाफट से अभी निकलते हैं, ओके लेट्स गो। अभी आई थिंक मेरे पे दो तीन कार्स जो है ना खड़ी हो रखी है मेरे शोरूम पे, तो उनको फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सेल कर लेते हैं, एंड फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट डे दोबारा से ऑक्शन खुल जाएगा, तब हम उनको यहाँ पर लाइक फिर ना वहाँ से कुछ कार्स वगैरह हम लेकर आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इस कार को मैं यहीं लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं इंजन बंद करना क्यों भूल जाता हूँ यार, इसका बार बार इंजन बंद करना भूल जाता हूँ यार मैं। ओके बढ़िया यहाँ पे मैंने लगा दिया। अभी मेरे को ये वाली कार तो पेंट करनी है ना, इस वाली कार पे मैं पेंट करवा देता हूँ, इसको ट्यून वगैरह भी करा देते हैं। आई थिंक ये पूरी प्रॉपर सही है, ये लास्ट एपिसोड में ली थी आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है मेरे को।
और मैंने अपनी टोयोटा सुपरा बहुत कुत्ते की तरह तोड़ी थी, तो उसको भी मेरे को भी सही कराना पड़ेगा। आई थिंक यार मैंने सही करवा दी थी लास्ट एपिसोड में, शायद मैंने लगाई तो थी सही होने के लिए, मुझे याद नहीं है। बाकी इसको मैं लाल कलर करवा देता हूँ यहाँ पे, बढ़िया, और स्मूथनेस देते हैं इसकी, थोड़ी सी मेटलिक कर देते हैं, बढ़िया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपनी यहाँ पर फरारी चमक जाएगी। भाई भाई क्या लग रही है यार फरारी, सीरियसली यार लाल कलर तो मुझे ऐसा लगता है इसी के लिए बना हुआ है भाई, बहुत प्यारी लगती है। बस इसको फटाफट से ना अभी हम यहाँ पर ट्यून वगैरह भी करवा देते हैं, थोड़ा सा इसमें ड्रिफ्ट के टर्बो एनओएस लगवाते हैं, सस्पेंशन वगैरह परफेक्ट, लाइट वगैरह परफेक्ट तो नहीं है, लाइट कौन सी लगाई जाए इसमें, लाइट ये लगा देते हैं, बढ़िया, और प्लेट इसकी ये लगाते हैं, और साथ ही साथ इसके व्हील्स वगैरह भी चेंज करते हैं। रुको, व्हील्स याले भी ठीक लग रहे हैं, याले लगा देते हैं भाई। ठीक है, याले व्हील्स में मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मतलब मैंने कम ही यूज़ करा है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, अभी जल्दी से अपनी फरारी को अपने शोरूम के बाहर खड़ा करते हैं, और इनको भी से ओ भाई प्लीज चलो। अच्छा, अब तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, AI हमारे गाड़ी को ठोक नहीं पाएगा, पहले ठोक देता था, अब नहीं ठोक पाएगा, तो वो थोड़ा सा सही हुआ है। बाकी मेरे को ना ग्राफिक्स में भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे पत्थर वगैरह देखोगे तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर मेरे को लग रहा है कि कुछ यहाँ पर मतलब पहले से तो बेटर हुआ है। लेट्स गो, अपनी ना टोयोटा सुप्रा को ही फटाफट से अभी सही करवा लेते हैं। बाकी हमारी अभी फरारी को यहीं रहने देते हैं, फरारी की अभी मेरे को कोई नीड नहीं है, फरारी को अभी मैं कहीं भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। हाँ अबे यार, मैंने टोयोटा सुप्रा अपनी ना सही नहीं करवाई, $798 इसमें लगेंगे अभी सही होने के लिए। बाकी तब तक जंकयार्ड में देख लेते हैं कुछ चेंजेस हैं, नहीं है यार कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ पर ऐसे देखने को मिल नहीं रहे, तो जल्दी से यहाँ पर मैं सारा ट्रैश वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी इसमें हमारे यहाँ पे कुछ पैसे वैसे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब पहले हमारे को यहाँ पे आई थिंक $5 मिलता था पर सामान का, अभी देखते हैं कितना मिल रहा है। ओके 80 मिला है, तो नहीं यार मुझे कुछ ऐसा शायद मेरे को लग रहा है बढ़े हैं, $10 हो गया क्या, कुछ तो मेरे को लगा है क्योंकि ना इस बार हमारे को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिला, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने ना मतलब अलग अलग चीज़ें बेची है, जैसे कि व्हील्स वगैरह का क्या पता हमारे को ज़्यादा पैसे मिलते हो। अभी उड़ा सकता है क्या मेरे को या नहीं भाई ये चीज़ें अभी तक सही नहीं है, इस गेम में फिजिक्स के नाम की कोई चीज़ है नहीं अभी के लिए। चलो फिलहाल के लिए हमारी जब तक टोयोटा सुप्रा सही हो रही है, मैं सोच रहा हूँ फटाफट से चलते सोने के लिए, नेक्स्ट डे हमारा ना फिर से ऑक्शन यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। लेट्स सी देखेंगे नेक्स्ट ऑक्शन में हमारे को यहाँ पर कौन कौन सी कार्स वगैरह मिलती है भाई, क्योंकि आज का दिन तो ना बेकार हो गया। मैंने सोचा था हमारे ऑक्शन में कोई कार आएगी तो ऑक्शन से ले लेंगे, या ड्रैग रेस के लिए कोई कार आएगी तो ड्रैग रेस कर लेंगे, बट यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ना कोई कार आई है ना कुछ आया है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलो लेट्स सी आज ऑक्शन में कौन सी कार आ रखी है भाई, प्लीज यार कोई अच्छी कार देखने को मिल जाए ना। और ये गेम वाले ना अब कोई नई कार डाल भी नहीं रहे, मेरे को ना इस चीज पे बहुत गुस्सा आ रहा है यार। पहले इतनी सारी रेयर कार्स डालते थे तो काफी मजा आता था, अभी इन्होंने काफी टाइम से कोई रेयर कार डाली नहीं है ना, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो, चलो जल्दी से देखते हैं अभी कौन सी कार आ रखी है भाई, प्लीज यार प्लीज। ओए 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 कहाँ जा रही है भाई, ब्रेक मार रहा हूँ, क्या हो गया तुझे, क्यों 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 स्किड मार रही है, सीधा चल लेना, पहली बार हो रहा है भाई, ये पहाड़ी पे कैसे चढ़ रही है। चलो लेट्स सी कौन सी कार है यहाँ पर, फरारी है, और ये कौन सी है, ये तो छोड़ दो, ये भी नहीं चाहिए। अबे तीन ही कार दिखाई मेरे को और एक कार कहाँ गई, अच्छा अच्छा देख ली, नहीं आई यार कोई कार नहीं आ रही, छोड़ो फिर से वही सब सीन, कार मार्केट में ही कार अच्छी मिल रही है भाई, यहाँ तो बकवास कार आ रखी है। बाकी एक बार ड्रैग रेस के लिए चलते हैं, ड्रैग रेस में देख कर आते हैं आज कौन सी कार आ रखी है भाई, प्लीज़ यार बस मैं कोई कार वगैरह ना हारना नहीं चाहता अपनी, बड़ी मुश्किल से तो मेरे को कारें मिल रही है, मतलब मुश्किल से तो नहीं मिल रही है बट रेयर कार यार मेरे को ना कोई चांस नहीं लेना, मैं सोच रहा हूँ बस यहाँ पर मैं कार जीतता रहूँ। बाकी यहाँ पर आ रखी एक निसान स्काईलाइन नकली वाली, और एक आ रखी है BMW, तो छोड़ो भाई इनसे तो रेस करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्या मैं इनसे रेस कर सकता हूँ बट यार बैट इज़ अ कार है नहीं ना, तो मज़ा नहीं आएगा। चलो अभी फिलहाल के लिए अपनी कार्स वगैरह को सेल करते हैं, दो कार हैं हम पे अभी, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट में हम यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी है। बाकी यार यहाँ पे हॉर्स वगैरह को देखो, पहले ये व्हाइट कलर के हुआ करते थे, ये थोड़े से चेंज हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे कार फॉर सेल ऐसा नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर अभी इन्होंने कुछ पेंट वेंट ऐड किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ चेंजेस यहाँ पर सर, और कुछ चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहे। बाकी मेरे को जो ये दिख रही है ना वॉल्स वगैरह, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इन्होंने ना थोड़ी ग्राफिक्स थोड़े से इम्प्रूव किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी रियलिस्टिक सी लग रही है अभी ना वो। चलो अभी अपनी हमारी जो है ना ये वाली गाड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और मैं सोच रहा हूँ यार आज अपनी एक ना निसान GTR बेच दे क्या, मैं सोच रहा हूँ यार आज एक निसान GTR बेचे अपनी, लेट्स सी। बट यार निसान GTR पे ना इतना कुछ खास पैसा मिलता नहीं है, और मैं इंजन बंद करना भूल गया भाई इसका। चलो इसका मैं कलर करता हूँ ये वाला, और इसको फटाफट से स्मूथनेस पूरी दे देता हूँ। ओके बढ़िया,
बाकी और कुछ करने की जरूरत है? हाँ यार, इसके ना प्लेट वगैरह भी चेंज कर देते हैं, और इसमें शायद NOS वगैरह भी नहीं था लास्ट टाइम पे, मुझे जहाँ तक याद है, तो इसमें NOS वगैरह भी मैं लगा देता हूँ एक बार, ठीक है? उसके बाद ही इसको बेचेंगे, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हमारे को। रेसिंग किट, ड्रिफ्ट किट 240, भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया मैंने इस पे। मेरे को ना भाई लास्ट में गाड़ी तोड़ना ना बहुत महंगा पड़ गया था। बाकी व्हील्स वगैरह मैं इसके यही रहने दूँ क्या? अरे अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, ये वाले लगाते हैं, रुको, ये वाले या ये वाले लगा देते हैं, ठीक है, बढ़िया। अभी गार्ड लग रही है ना हमारी, अभी लग रही है कि भाई सुपरा है सही में। बाकी भी साफ़ हो जाएगी तब ज़्यादा बेटर लगेगी। मैंने मैजडा पे भी आई थिंक यही वाला कलर करवाया था, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट टाइम पे। भाई मैजडा पे तो कोई भी कलर करा दो, बहुत प्यारा लगता है, और सुपरा पे भी सारे कलर अच्छे लगते हैं यार, क्योंकि इनका ना लुक बहुत प्यारा है। बट फरारी पे ना भाई सिर्फ मेरे को लाल कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, इनका ना बहुत बढ़िया लगता है। अबे रुक जा, ओके बढ़िया, यहाँ पे खड़ी करते हैं इसको। अभी अपना बंदा क्या साफ करेगा, मैं ही साफ कर देता हूँ, रुको। भाई क्या लग रही है यार अपनी सुपरा, एक नंबर, अरे हे क्या कार लग रही है भाई। इसको तो कोई भी ले जा ले बंदा आकर के, खुशी खुशी में ले जाएगा भाई इस कार को, तो पैसे देकर जाएगा तगड़े, और ऊपर से भाई क्या प्यारी कार लग रही है यार, सीरियसली। चलो इनको सेल पर डालते हैं अभी के लिए। भाई लोगों को, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता, लोग तो खुश हो जाते होंगे मेरे शोरूम में आके, भयंकर इतनी रेयर कार्स देखते होंगे ना कि भाई इतनी सारी रेयर कार्स खड़ी हुई है, वो बंदा हमारे को टोयोटा सुपरा बेच रहा है। सोचो यार उसकी तो लग्जरी वाली लाइफ ऐसा लगता है उसको भाई। चलो इस वाली कार को ना हम यहाँ पे 130,000 की डाल देते हैं। फरारी ये रहा, फरारी 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 ये रहा, इसको मैं डालता हूँ 6.5-6.5 लाख की डालता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो फरारी है 5,10,000 की बेची थी, कोशिश करेंगे आज हम फरारी को थोड़ा और ऊपर बेच पाएं, मतलब जो पहला प्राइस था ना उससे तो थोड़ा ऊपर ही बेचेंगे। ओके अभी फिलहाल के मैंने कार्स वगैरह सेल पर लगा दिए है, ऑफिस हमने खोल दिया है। बाकी यार मेरी निसान GTR ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यार निसान GTR अंदर लगा दूँ क्या, क्योंकि अभी के लिए मैं चला रहा हूँ अपनी फरारी को, तो ये बाहर ही खड़ी रहेगी ना, इसको अंदर ही खड़ा करते हैं, रुको इसको मैं अंदर खड़ा करके आता हूँ तब तक ना। कहाँ से था, अरे यार यहाँ से है। चलो अभी ना हमारी अंदर वाली जो जगह है ना वो सारी खाली खड़ी हुई है, और मैंने आधी कार तो अपनी बाहर ही लगा रखी है। मैंने बाहर इसलिए लगाई थी क्योंकि ना मेरे को बाहर थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमारा शोरूम थोड़ा सा ना शो आ रही है भाई शोरूम की, इसलिए मैंने थोड़ी सी लगाई थी। बाकी यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, एक दो कार्स ना मैं अंदर ले आता हूँ, यहाँ पर एक लग जाएगी और बाकी तो बाहर ठीक ही है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारे कस्टमर्स वगैरह आ चुके हैं कार को लेने के लिए, जल्दी से देखते हैं ये बंदा हमारे को कितने ऑफर कर रहा है। फरारी के भाई, फरारी उधर खड़ी है, यहाँ क्या कर रहा है तू? 4,35,000 ऑफर कर रहा है, आराम से 5,20,000 ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं पहले से ज़्यादा बिक जाए, इतने में तो नहीं ले रहा है। ये वाला बंदा जो है ये भी फरारी लेने के लिए आया भाई, चलना जल्दी, लेट्स सी कितने का ले रहा है भाई। फरारी के बगल में हॉर्स का वो लगा रखा है मैंने, सीरियसली यार क्या मस्त लग रहा है। चल भाई तू हट यहाँ से, फिर से अच्छा ऑफर तो मुझे वो दे रहा है। बट यार मैं सोच रहा हूँ ये मेरे को ना ज़्यादा बेटर पैसे दे रहा है, और ये आराम से 5,10,000 या 5,15,000 तक ले जाएगा। कोशिश कर सकते हैं जल्दी से इसको ना 5,15,000 डाल के देखता हूँ, और 5,15,000 में ले जा रहा है क्या भाई? ले जा ले यार, काफ़ी अच्छी कार है, नहीं चाहिए 5,10,000 में भी नहीं ले जाएगा मेरे हिसाब से फिर तो। 5,10,000 कैसा है ब्रो, ले जा ले। ओके 5,10,000 तक तो बिक रही है, बट उससे ऊपर नहीं बिक रही है, ठीक है। मे बी बिक जाए, मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा तब जाके हमारा 5,10,000 से ऊपर में मतलब ये जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक मैम आ चुकी है हमारी टोयोटा सुपरा को लेने के लिए, लेट्स सी ये कितना ऑफर कर रही है हमारी प्यारी टोयोटा सुपरा के लिए, जल्दी से देखते हैं, रुको। 39,000 दो रैपट मारूंगा, चले जाओ यहाँ से। अभी हम प्यार से बात कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या मैडम? चलो अभी फिलहाल के लिए चलते हैं सोने के लिए। नेक्स्ट शायद हमारा क्या ओपन हो सकता है, नेक्स्ट हमारा मार्केट ओपन होगा, तो कार मार्केट जा करके कुछ कार्स वगैरह परचेज करके लाएंगे भाई। खाली पड़ा है भाई अपना शोरूम, क्या फ़ायदा है ऐसे शोरूम का जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ना हो, तो थोड़ी सी गाड़ी वगैरह भरते हैं। आज हमने यहाँ पे 5,10,000 डॉलर कमा लिया। फिलहाल के लिए आज हमारे यहाँ पे कार मार्केट ओपन हो चुका है, अभी जल्दी से चलते हैं सीधा कार मार्केट। कार मार्केट से ना कुछ कार्स वगैरह परचेज करते हैं, लेट्स सी कौन कौन सी कार आई है भाई। यार ऑडी R8 देखने को नहीं मिल रही यार, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत हो गई क्या ऑडी R8 के साथ? ऑडी R8 आई नहीं रही है काफ़ी टाइम से। ओके चलो, मेरे मतलब कि यहाँ पर दो कार मेरे को देखने को मिल रही है, बाकी तो कोई मेरे मतलब की कार है नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए पोर्श ले लेता हूँ एक में, और साथ ही साथ एक वाली कार लेता हूँ जो बगल में खड़ी है ना हमारी, क्या नाम था यार कार का, मैं तो कार का नाम भी भूल गया भाई, क्या नाम था, बकरीगर, ठीक है। जल्दी से फिलहाल के लिए वाली कार लेते हैं, इसका मैं लेता हूँ प्राइस 1,40,000, इससे कम में तो मुझे लगता नहीं देगा। बट यार ये ना एक तो
महंगी भी पड़ जाती है यार, इसमें अर्निंग वगैरह तो कुछ होती नहीं है, तो मेरे को ना थोड़ा सा इसलिए इसका अच्छा नहीं लगता इस वाली कार को बेचना पोर्श को ना। चलो यहाँ पर एक मैम आ रखी है हमारी बकरेगर को लेकर के, लेट्स सी कितना ऑफर कर रही है, 58,000 ऑफर कर रही है। भाई सारी कार डैमेज है यार, बहुत ज़्यादा कार डैमेज दिख रही है आज। चलो इसको भी जल्दी से मैं यहाँ पर ऑफर करता हूँ, 45 तो नहीं, 49,000 करके देखते हैं। मुश्किल है, ट्राई कर सकते हैं, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, बट लेट्स सी। ओके चलो 49,000 में हमने यहाँ पे बकरीगर ले ली है, अभी जल्दी से चलते हैं इस कार को बिना सेल करते हैं। भाई कार की कमी हो रही है यार, बाकी ड्रैग रेस में कोई कार मिल जाए ना मेरे को तो मज़ा आ जाए। पहले यार ड्रैग रेस में चलते हैं, रुको ठीक है, पहले ड्रैग रेस में चलते हैं। अब भाई कितना आवाज़ करती है यार ये कार, पागल हो गई क्या, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है भाई लिटरली। सबसे ज़्यादा अजीब साउंड जो है ना बकरीगर की है, बट बकरीगर ना ओए ठुकना नहीं है, ठुकना नहीं है भाई। ड्रिफ्ट किट कहाँ, रुको एक सेकंड, इसको उतारते हैं और इस कार को ना मैं अभी यहाँ से टो करवाता हूँ भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ पे, अभी बाद में पेंट वगैरह करा देंगे इस पर। फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पर जो है मेरी कार का है, अबे भूतनी के, अबे भाई यार यार ये क्या बग है यार इन लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। एंकर मैंने अपनी कार पहले खड़ी करी थी वहाँ पर, अगर मेरी कार को कुछ हुआ होता ना बेटा, इतना पेलता ना मैं तुझे। जरा मैं सनी लियोनी बना देता अभी। चलो इसमें मैं करवाता हूँ ऑरेंज ही करवा देते हैं, ऑरेंज भी सही लगता है हमारी पोर्च पे, तो बाकी इसको थोड़ा सा मैटलिक रखते हैं। बढ़िया भाई, भगवा कलर हो गया है तो भगवा कलर हो गया भाई। चलो फिलहाल के लिए लेकर चलते हैं इसको बाहर। भाई क्या लग भाई, बहुत से भाई ठुकना नहीं, ठुकने का नहीं भाई, रुक जा भाई, ब्रेक टाइम पे मारना भूल गया मैं और ऐसे हो जाता है। आज मैं ना पता नहीं क्यों इंजन बंद करना बार बार भूल जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है आज। बाकी लाइट्स वगैरह मैं इसकी चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे करते हैं, अपडेट मारते हैं। ओके और व्हील्स वगैरह इसके मेरे हिसाब से ठीक है यार, व्हील्स मैं चेंज नहीं कर रहा, अभी हम बेच देते हैं ठीक है, क्योंकि ना पोर्ट्स पे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है यार, इस पर इन्वेस्ट करना मतलब नुकसान है मेरे हिसाब से ठीक है। अगर कोई और कार होती जो हमारे को ज़्यादा पैसे देकर जाती तो ठीक भी थी, बट ये ज़्यादा कुछ खास पैसे देकर जाती नहीं है, जैसे कि निसान GTR हो गई या और कोई कार हो गई, तो इन पे तो यार मन करता भी इन्वेस्ट करने का ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए इस पर हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से चलते हैं, अभी बकरीगर को भी अपनी लेकर आते हैं। और भाई मैं आज सोच रहा हूँ, आज ना मैं एक रेयर कार सेल कर ही देता हूँ यार, एक रेयर कार सेल करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जितनी जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर रेयर कार सेल कर रहा हूँ ना, तो मेरे को और रेयर कार्स मिल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, पता नहीं, मैंने तो ऐसे देखा है। मैंने ना दो बार अभी डॉज वाइपर सेल करी और एक मैंने फरारी सेल करी, भाई तब से मेरे को इतनी सारी कार्स मिल चुकी है ना, लिटरली बहुत सारी कार्स मिल चुकी है। चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वाली कार पे मैं पेंट करता हूँ, इसका फैक्ट्री कलर क्या है भाई, इसका नहीं यार ये नहीं चाहिए मेरे को, इसका हम करते हैं भाई वाला, क्या लग रहा है लाइम कलर है ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी इसको स्मूथ कर देते हैं, मैटलिक कर देते हैं। बढ़िया चलो, मैंने इसको थोड़ा सा ना ओल्ड लुक दे दिया कार को एक तरीके से, मतलब थोड़ा सा ओल्ड टाइप की लग रही है, बट लग प्यारी रही है भाई, सही में बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है विंटेज सी कार है कोई। चलो अभी जल्दी से यहाँ पर इसमें मैं ना एक सेकेंड रेसिंग गेट लगा देते हैं, इसको ट्यून करा देता हूँ। बढ़िया, और यहाँ पे प्लेट वाली लगाते हैं, व्हील सबसे पहले है भाई, व्हील इंपॉर्टेंट है, इसके व्हील चेंज करते हैं। भाई क्या है ये, छी ये तो बकवास लग रहे हैं, और कोई व्हील नहीं है क्या यार, कोई तो ढंग के व्हील होंगे, ये भी बकवास लग रहा है, इस पर तो सूट ही नहीं कर रहे यार, ये भी ठीक नहीं लग रहे ये वाले भाई, ये थोड़े से नहीं यार, ये भी बकवास लग रहे, ये वाले व्हील्स इस पर थोड़े से ठीक लग रहे हैं, तो मैंने ये वाले व्हील जो है लगा दिए, मतलब थोड़े बहुत सूट कर रहे हैं। वैसे मैं सोचा था इसमें ना कुछ वाइटिश से होते ना, मतलब कुछ व्हील्स में, मतलब तो मतलब स्पोक्स टाइप के कुछ होते तो काफ़ी प्यारे लगते, बट ऐसा कोई व्हील मेरे को दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने यही वाला व्हील लगा दिया है। अपनी निसान GTR सेल कर दें, चलो आज हम आपके लिए ना अपनी निसान GTR जो है वो सेल करने जा रहे हैं, लेट्स सी हमारे को कितने रुपये इस कार के मिलने वाले हैं। भाई पैसे तो कुछ ज़्यादा खास मिलेंगे नहीं मुझे जहाँ तक पता है, बट ठीक है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं निसान GTR को सेल करने की कोशिश करूँगा। तो फटाफट से ना एक काम करो, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, ओए ठोकने का नहीं है, ठोकने का नहीं है, आज हम अपनी यहाँ पर निसान GTR जो है वो सेल करने वाले हैं। भाई मुझे ना दुख हो रहा है यार सेल करते हुए कार को, बट क्या करें, सोच रहा हूँ कर देता हूँ, चलो सेल कर देते हैं आज अपनी ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं इनको सेल पे डालना स्टार्ट करता हूँ, एक हो गई मेरी पोर्श, एक हो गई मेरी बकरीगर और एक है मेरी निसान GTR ठीक है। कितने तक जाती है निसान GTR, मैंने अभी तक ना वैसे निसान GTR बेची नहीं है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। निसान GTR का मैक्सिमम प्राइस है भाई बहुत कम प्राइस है यार, 1,10,000 भाई बहुत कम में जाती है यार, कोई नहीं एक काम करते इसको ना 25
लाख के डालते हैं, 100,000, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। आई थिंक अभी इतनी काफ़ी है, अभी फटाफट से इसको मैं करता हूँ पुट इट ऑन सेल। निसान GTR तो मैंने सेल पे डाल दिया है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा ना एक कस्टमर आ चुका है, जल्दी से देखते हैं ये कितना ऑफर कर रहा है हमारे को। आई थिंक बक रेगर लेने के लिए आ रखा है, देखते कितना ऑफर कर रहा है भाई। प्लीज़ यार थोड़ा अच्छा सा ऑफर कर दियो प्लीज़। भाई ऑफर तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, आराम से 1,15,000 तक, 20,000 ट्राई करता हूँ पहले, अगर नहीं लिया तो फिर मैं 1,15,000 ट्राई करूँगा। कोशिश कर देना ज़्यादा ले, ज़्यादा का मतलब ले ले, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ में भी जाएँ तो हम ऐसे करते हैं। तो लेट्स ट्राई करते हैं 1,15,000, 1,15,000 में तो ले जा ही लेगा। ओके 1,15,000 में हमने बकरीगर बेच दी है। बाकी एक मैम आ रही थी हमारी शायद बकरीगर को लेने के लिए और वो जा चुकी है। निसान GTR अभी तक खड़ी है भाई, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, निसान GTR को कोई कैसे लेने नहीं आ सकता यार। निसान GTR खड़ी है भाई, किसी ने देखी भी है आज तक ये वाली कार? ओके लेट्स सी, आई थिंक प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो इस वजह से नहीं बिक रही है। और ये हमारे को ऑफर कर रही है 6,32,000, 6,32,000 भाई ये क्या ड्रामा है भाई, 6,32,000 की बेचने के लिए बैठा हूँ क्या मैं यहाँ पे भाई? कम से कम मिलियन तो बोलो, 8,00,000 भाई पागल वागल हो गए हो क्या? कार देख रहे हो, निसान GTR है वो, तुम्हारा दिमाग सही भी है थोड़ा सा यार? भाई ऐसे रहेगा ना तो नहीं बेचूंगा मैं कार, क्या फ़ायदा भाई मैं इतनी सस्ती बेचूंगा कार तो। और ये भी बहुत कम प्राइस बोल रहे हैं। बाकी इधर देखता हूँ मैं एक सेकंड, ये कितना ऑफर कर रहा है भाई? प्लीज़ यार थोड़ा सही तो ऑफर कर दो, निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से भाग भाई, सड़े सड़े ऑफर दे रहे यार। इससे अच्छा तो मैं मॉर्निंग में आता हूँ नेक्स्ट डे में, पहले ना अपनी निसान GTR बेचते, देखते ये कितना ऑफर कर रहा है भाई। प्लीज़ यार थोड़ा अच्छा ऑफर कर दे, यस इतना कम ऑफर क्यों कर रहे हो यार? निसान GTR का इतना कम ऑफर है क्या? पता नहीं मेरे को बहुत कम ऑफर लग रहा है। बाकी यहाँ पर एक बंदा आया हमारी पोर्श लेने के लिए, ये कितना ऑफर कर रहा है भाई? प्लीज़ सही ऑफर है, बढ़िया ऑफर कर रहा है, 3,00,000 तक के ले जा ले जा, 3,00,000 की कार तेरी, 3,00,000 की डाला ना, 3,00,000 में कार तेरी, जा ले जा भाई खुशी खुशी ले जा। एक काम कर 2,95,000 के ले जा ले, 2,95,000, 2,95,000 तो सही है, इतने में तो ले जा ले, चलो बढ़िया अपनी एक कार तो बिकी कम से कम। बाकी यहाँ पे यार ये बंदी कुछ मेरे को लग रहा है सही ऑफर कर सकती है, 8,15,000। एक काम करो यार तुम ले जाओ 12,00,000 की, 12,00,000 की कार, 12,00,000 में कार आपकी चाहिए ले जाओ यार। 12,00,000 में नहीं ले जा रहे ना, मतलब ये कार थोड़ी कम में ही बिकेगी, तो इसको हम 11,00,000 में बेच देते हैं। लेट्स ट्राई करके देखते हैं 11,00,000 में जा रही है नहीं जा रही है, निकलो मैडम यहाँ से आप। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक कस्टमर आ रखा है, लेट्स सी ये कितना ऑफर कर रहा है यार। प्लीज़ यार मैम कुछ तो सही भाई, सीरियसली यार बहुत ही घटिया घटिया ऑफर आ रहे हैं यार निसान GTR के लिए। मैंने सोचा था निसान GTR जो है ना हमारी काफ़ी अच्छे प्राइस में जाएगी, बट यार यहाँ पे तो प्राइस ही पता नहीं क्यों उसके घटिया घटिया से आ रहे हैं। ठीक है गाइस, इस वाली कार को ना यार नेक्स्ट एपिसोड में बेचेंगे, मुझे तो लग नहीं रहा है अभी इसका कुछ मेरे को सही ऑफर दे रहा है। फिलहाल के लिए मैं ऑफिस को करता हूँ बंद और एक बार ना ड्रैग रेस के लिए और चल लेते हैं, देख कर आते हैं वहाँ पे कोई कार आ रखी हो तो। भाई कम से कम हमने कार नहीं बेची तो कार कोई मिल तो जाए, टेस्ट कार भी तो नहीं मिल रही है आज पता नहीं क्या हो गया, या तो अपडेट की बात से कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है फिलहाल के लिए यहाँ पर आ रखी है एक टेस्ला और एक यार नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, छोड़ो भाई रहने दो। तो गाइस इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। हाँ आई नो आज हमने इतना कुछ करा नहीं, क्योंकि यार आज करने को कुछ मेरे को लगा नहीं, यहाँ पर कार्स वगैरह भी नहीं मिल रही है, सब कुछ मतलब अजीब सा ही था। ड्रैग रेस में भी मेरे को कोई ऐसी कार दिखी नहीं है। तो इस एपिसोड को बस यहीं एंड करते हैं, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। ओके गाइस बाय।